इंदौर में देवउठनी 11 के मौके पर जहां कई जगह शहनाइयां बजी और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए शादियां संपन्न हुई, तो वहीं इंदौर में एक जगह बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद बाल विवाह विरोधी दस्ता माइक पर पहुंचा और इस दौरान शादी रुकवाई गई। वह परिजनों को चेतावनी दी गई कि अगर 18 वर्ष से पहले शादी कराएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में बुधवार को कोरोना काल की पहली देवउठनी 11 हर उस परिवार के लिए यादगार बन गई जिसके घर शादी की शहनाई बजी। जो शादी की हर रस्में बड़ी धूमधाम से होती थी, वह बुधवार को रैपिड एक्शन मोड में नजर आई, जहां पर अधिकांश परिवारों ने शाम की जगह सुबह बैंडबाजों के साथ बारात निकाली। शाम या रात को होने वाले सात फेरे, सुचारू भोज व अन्य रस्में कई जगह तो दोपहर में संपन्न हो गई। वहीं बड़े गार्डन और होटल की शादियों में 4 बजे से बारात निकली, 6 बजे से रिसेप्शन हुआ और 10 बजे से पहले समापन हो गया। वही संगम नगर के लाभ गंगा गार्डन में बाल विवाह होने की सूचना बाल विवाह विरोधी दस्ते को मिली और सूचना पर मौके पर पहुंची टीम। जब लड़की के परिजनों से लड़की की आयु संबंधी दस्तावेज मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिस पर टीम ने लड़की से पूछा तो पता चला कि लड़की का जन्म सन 2003 में हुआ था। इसके हिसाब से लड़की की उम्र मात्र 16 साल है, जिस पर टीम शादी रुकवाई और हालांकि परिजनों से पहले इसका विरोध किया, फिर बाद में शादी रोक दी गई। बताया जा रहा है कि लड़की इंदौर के गोविंद नगर खारचा की रहने वाली थी और बारात रूपराम नगर से आई थी। वहीं टीम ने इसकी सूचना SDM और संबंधित थाने को भी दी ताकि टीम के जाने के बाद परिजन शादी ना करवा सके, जिस पर पुलिस उन पर नजर बनाए रखे। बाल विवाह को लेकर महिला बाल विकास ने उड़नदस्ता गठित किया था, विशेष रूप से इसलिए कि अक्षय तृतीया पे कोई बाल विवाह नहीं हो पाए थे, तो लोगों ने अभी एकादशी पे जो अबूझ मुहूर्त थे उसके चलते बहुत सारे विवाह एक साथ होने थे। तो शाम के समय 7-7:30 बजे करीब हम लोगों के पास सूचना मिली कि संगम नगर में कोई लाभ गंगा ग्राउंड है, उसमें एक देवराम प्रजापत की लड़की का विवाह हो रहा है और वो लड़की नाबालिग है। हमने जाकर मौके पर पहुँचे और जाकर उनसे आयु के प्रमाण मांगे तो उन्होंने कहा कि न तो हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है, ना कोई लड़की ने पढ़ाई की है और ना ही उनके पास आधार कार्ड था। लेकिन लड़की ने बताया कि उसका जन्म दिसंबर 2003 में हुआ, उसके आधार पर होता है कि बालिका की उम्र 16 वर्ष से पूर्ण हो रही है अभी, तो उसका नाबालिग माना गया तो इसलिए 18 साल से कम थी, इसलिए हमने उसके परिजनों को समझाया। खैर उन्होंने विरोध तो किया कि अब शादी होने वाली है और बारात सामने खड़ी है, लेकिन समझाइश के बाद उन्होंने बाल विवाह को रोक दिया है और शादी बालिका के 18 वर्ष के पूर्ण होने के बाद ही वो लोग करेंगे। ये लड़की की शादी, लड़की का परिवार जो है गोविंद नगर खारचा का रहने वाला है और लड़का जो है वो आम्रकुंज कॉलोनी का रहने वाला है, रूपराम प्रजापत का लड़का है। नहीं समझा इसके बाद ये रुक गए हैं, अगर नहीं मानते तो अभी भी हम लोगों ने संबंधित थाना क्षेत्र के SDM जो है पराग जैन साहब उनको सूचना कर दी है, थाना एरोड्रम को भी सूचना दी है कि रात में कहीं ये चुपचाप शादी नहीं कर ले, क्योंकि कलेक्टर साहब की गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे के बाद में कोई समारोह नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने उनको सूचना कर दी है और थाना भी उस पर नज़र रखा हुआ है। हमारी टीम के कुछ सदस्य भी वहीं बैठे रहेंगे जो नज़र रखेंगे कि जब तक उन्होंने, क्योंकि वे पत्रिकाएँ बांट दी थी और उसी कारण उनके यहाँ मेहमान भोजन वगैरह के लिए आए हुए हैं, तो उस दौरान कहीं फेरे नहीं हो जाए इसको लेकर हमने वो किया है। विशेष रूप से हमने यहाँ पर देखा कि जो टेंट लगा है और लाइटिंग वगैरह की है और जो केटरिंग वाले हैं उन लोगों को भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत हम लोगों ने उन लोगों को भी निर्देश दिया कि आप लोगों को विवाह में शामिल होने से पहले इन लोगों के अंक सूची वगैरह देखना चाहिए, नाबालिग की शादी है तो उसमें इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार इस तरह का कोई विवाह यानी लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और बालक की उम्र 21 वर्ष से कम होती है तो उसके तहत उन्हें दंड और जुर्माना दोनों हो सकती है। महेंद्र पाठक, प्रभारी बाल विवाह विरोधी उड़नदस्ता लाडू अभियान इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।